हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रैंकाइन साइकिल। इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो इससे पहले मैंने आपको जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट वेपर साइकिल है, उसके बारे में बताया और उसकी कुछ लिमिटेशंस मैंने डिस्कस की कि क्यों जो है हम कार्नोट साइकिल जो है उसका यूज़ पावर प्लांट के अंदर नहीं करते हैं। इट इज़ अ आइडियल साइकिल। तो ये जो रैंकाइन साइकिल है, इस रैंकाइन साइकिल का यूज जनरली पावर प्लांट के अंदर किया जाता है। और इसका क्या फंक्शन है, इसकी खोज किसने की, इसकी इफिशेंसी क्या होती है, हर एक चीज़ को हम जो है बारीकी से समझेंगे। तो बात करें सबसे पहले रैंकाइन साइकिल जो है, रैंकाइन साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो जो रैंकाइन जो है ये नाम कहाँ से आया, इनका जो है फुल नेम है विलियम जॉन मैक्यूम रैंकाइन, ये पूरा नाम है। और ये एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, स्कॉटिश सिविल इंजीनियर है ना। ही वाज अ फाउंडिंग कंट्रीब्यूटर विद रुडोल्फ क्लॉसियस फॉर द साइंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जो रुडोल्फ क्लॉसियस जो है, इनने सेकेंड लॉ जो है उसके बारे में बताया था। तो इन दोनों ने मिलकर जनरली जो थर्मोडाइनमिक्स की जो साइंस है उस पर वर्क किया, और वर्क करने के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ खोज की, जिसमें उन्हें रैंकाइन साइकिल जो है उसका भी फाउंडिंग किया, उसकी भी डिस्कवरी की। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे कि जो रैंकाइन साइकिल है उसका मेन काम क्या है। तो द रैंकाइन साइकिल इज अ साइकिल दैट कन्वर्ट हीट इंटू वर्क। जनरली हमें ये जो है वर्क प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, द हीट इज सप्लाइड एक्सटर्नली टू अ क्लोज लूप विच यूजली यूजर वाटर। ठीक है, तो जनरली ये जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो हीट सप्लाइड कैसे होती है, जब हम कोल को जलाते हैं किसमें, फर्नेस के अंदर, तो उससे फ्लू गैसेस निकलती हैं और वो फ्लू गैसेस जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती हैं। तो वो फर्नेस जो है इट इज़ एक क्लोज लूप और जिसमें हम वाटर का यूज करते हैं। ओके, द रैंकाइन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल। ठीक है, तो ये आइडियल साइकिल क्यों है, फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम प्लांट। जितनी भी स्टीम प्लांट्स की जो भी साइकिल्स हैं उनके कंपेयर में जो है इट इज़ अ आइडियल साइकिल, इट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट साइकिल। क्यों, क्योंकि इसकी इफिशेंसी अच्छी है। तो इस कंपेयर में जो है हम इसका यूज़ रैंकाइन साइकिल का यूज़ जो है हम कहाँ, पावर प्लांट में करते हैं, और उसके लिए एक ट्रेडमार्क कर दिया हमने कि इट इज़ अ आइडियल साइकिल। ठीक है, इट इज़ मॉडिफाई ऑफ कार्नोट साइकिल। ये जो है कार्नोट साइकिल जो है उसका मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्यों है, जैसे कि हमने देखा था कार्नोट साइकिल के जो लिमिटेशंस हैं, कार्नोट साइकिल इन विच कंडेंसेशन प्रोसेस 3 to 4 इज कंटिन्यूड अंटिल द स्टीम इज कंडेंसेट इनटू वाटर। वहाँ पर हो क्या रहा था, जैसे कि ये जो कर्व था आपका और जो कार्नोट साइकिल थी उसके अंदर सिर्फ यहीं तक ही जो है ये जो आपकी जो स्टीम जो बनी यहाँ से, बेड स्टीम जो है वो पानी में पूरा कन्वर्ट नहीं हो रही थी, यहाँ तक 4 पॉइंट तक रह जा रही थी। वो उसको यहाँ तक लाने के लिए ही हमने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया, उसको हम यहाँ तक लेके आए ताकि जो पूरा वेट स्टीम वाला जो भी आपका जो भी सब्सटेंस है वो आपका कंप्लीट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जिसके कारण हम उसे फिर पंप के द्वारा ऊपर ले जा सके। तो एक ड्रॉबैक था कार्नोट साइकिल का, जो कि रैंकाइन साइकिल ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया। अब बात करें, रैंकाइन साइकिल इज अ वर्किंग साइकिल यूज्ड इन अ स्टीम पावर प्लांट। इट इज़ अ वर्किंग साइकिल है और जिसका यूज जो है हम पावर प्लांट के अंदर करते हैं। तो जो रैंकाइन साइकिल है आपकी, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जनरली 4 जो है वो प्रोसेस यूज़ करते हैं हम, 4 प्रोसेस इसके अंदर यूज़ करते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन जो कि टर्बाइन के अंदर यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो कि आपका कंप्रेशर के अंदर होगा, आइसेंट्रोपिक फिर कंप्रेशन होगा जो कि है आपका पंप के अंदर, फीड पंप के अंदर बोल सकते हो, या फिर लास्ट 4th जो है वो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस जो कि बॉयलर के अंदर होगा। इन सभी प्रोसेस को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि किस हिसाब से जो ये प्रोसेस है वो वर्क करती है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सामने, ये जो है आपका मेन, अगर इसमें मैं बात करूँ जैसे कि 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल जो है इसके 4 मेन कंपोनेंट हैं, और इन 4 मेन कंपोनेंट्स में जनरली 4 मेन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है टर्बाइन में प्रोसेस 1 से 2 जो कि है आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है कंडेंसर जो है प्रोसेस 2 से 3 होगा जो कि कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कंडेंसर में हम हीट रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पंप क्या काम करता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेस करता है जो भी आपका लिक्विड है उसको, और इसे रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कैसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट हम दे सकते हैं
कितना हीट ले सकते हैं, कांस्टेंट रहता है। बॉयलर, बॉयलर के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, हीट ऐड करते हैं बॉयलर के अंदर। तो ये जो चार प्रोसेस हैं, ये चार कंपोनेंट्स के अंदर ये चार प्रोसेस होती है। मैंने आपको एक बेस्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट एक एग्जाम्पल दे के, बेस्ट फ्लो डायग्राम बना के इसको समझाने की कोशिश की है कि ये जो चार कंपोनेंट्स हैं ये चार प्रोसेस करते हैं इस चार डायग्राम के अंदर। ये इसे साइकोमेट्रिक डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉयलर, ये आपका टर्बाइन, ये कंडेंसर और ये फीड पंप, ठीक है। प्रोसेस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वन से टू, ये वन से टू प्रोसेस जो है ये है टर्बाइन वाली वर्क, टर्बाइन। टू से थ्री जो है ये कंडेंसर, फिर थ्री से फोर जो है ये आपकी यहाँ पे फोर आएगी, थ्री से फोर जो है वो आ जाएगा आपका आइसेंट्रोपिक, ये पंप वाला काम, उसके बाद बॉयलर वाला, फोर टू वन। तो चारों प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। होगा क्या, समझते हैं। जैसे कि बॉयलर के अंदर पानी है, उसको हम हीट देंगे, किसकी मदद से, फर्नेस की मदद से और कोल जलाने पर। तो वो जो हीट है वो किस में जाएगी, वाटर में जाएगी, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण कि जो वाटर है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आ जाएगा, जो कि ड्राई सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड में था, सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वन से टू में क्या होगा, ये फोर टू वन हुआ, मतलब ये फोर टू वन में हमने ये काम कर लिया। उसके बाद वन से टू में क्या होगा, स्टीम जो है इसके अंदर जाएगी टर्बाइन के अंदर। तो जब गैस इसके अंदर जाएगी तो गैस क्या होती है, एक्सपांड होती है, फैलती है। फैलने के बाद क्या करेगी, वो इस पर कुछ प्रेशर डालेगी इसके पंप पर, ब्लेड्स पर, जिससे कि रोटर की मदद से ये रोटेट होगा और हमको जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो स्टीम इसमें जाएगी तो इसका कुछ आउटलेट होगा, वहाँ से निकलेगी, ये नोजल की मदद से इस पर हम प्रेशर डालते हैं ताकि उसमें प्रेशर जो है, जो जो नोजल वेलोसिटी उसमें बढ़ाता है, और वेलोसिटी बढ़ाने के बाद पंप फास्टर वे में रोटेट होता है। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा यहाँ से, तो ये कंडेंसर इसको ले लेगा। कंडेंसर क्यों लगाते हैं, कंडेंसर एक ऐसा एलिमेंट है जो कंडेंसेशन प्रोसेस करता है, जिसमें क्या करेगा वो, ये जो कूलिंग वाटर है, कूलिंग वाटर की सप्लाई होती है, जो आपकी वेट स्टीम आ रही होगी यहाँ पर, अब वेट स्टीम बन जाएगी, लिक्विड प्लस वेपर में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होगा उसका, टेम्परेचर डाउन होगा, उसके बाद क्या होगा, वो वेपर प्लस लिक्विड के रीजन में रहेगा। उसके बाद इसमें जाएगा, जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, यहाँ से हीट रिजेक्ट करेगा, ठीक है, हीट रिजेक्ट करेगा, उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हम पंप की मदद से फिर बॉयलर में डालेंगे, फिर बॉयलर से होते हुए फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ऐसे। तो ऐसे प्रोसेस होती रहती है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, कंटिन्यूस ये जो है पावर प्लांट जो है ऑपरेट करता रहता है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ समझना, बॉयलर में जो हीट इन करते हैं, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये टर्बाइन हमें वर्क देता है, और ये जो पंप है इस पर हम वर्क करते हैं। तो ये टर्बाइन जो है ये पॉजिटिव डिवाइस होता है, पंप जो है आपका नेगेटिव डिवाइस होता है, ठीक है। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने एक बेटर वे में आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि बच्चा कन्फ्यूज ना हो और इसको अच्छे से आसानी से इसको समझ सके। अब इसके जो है हम PBTS एंड HS डायग्राम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने तीनों डायग्राम जो है यहाँ पर आपके कवर कर रखे हैं। ये जो है PV डायग्राम है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे PV डायग्राम, ठीक है, ये आपका TS और ये HS डायग्राम, तीनों डायग्राम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। मैंने आपको इसको अच्छे वे में बना के बताया ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। PV डायग्राम में क्या हुआ, देख रहे होंगे आप, ये वही प्रोसेस है ऊपर वाली जो मैंने अभी बताया आपको, ये टर्बाइन वाली, ठीक है, वन से टू जो है ये टर्बाइन वाली प्रोसेस है। उसके बाद ये वन से टू, उसके बाद टू से थ्री कंडेंसर, फिर थ्री से फोर पंप, और फिर इसके बाद फोर टू वन वन बॉयलर। ये जो डोम होता है, इसको इधर क्या होता है, ये वेपर होता है, इधर आपका, इधर ये सॉरी लिक्विड होगा इधर, ठीक है, इधर रीजन में लिक्विड होगा, ये वेपर होगा, ये वेट स्टीम होती है, लिक्विड प्लस वेपर, और यहाँ पे हीट इन होगी, यहाँ से हीट रिजेक्ट होगी। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे हीट इन होगी, और फिर नीचे भी प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी, सिर्फ एंट्रोपी चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है, और ये एडियाबेटिक नहीं। अब यहाँ पर जो है ये एडियाबेटिक बन जाएगा, मतलब प्रोसेस होगी इसके अंदर। तो टर्बाइन के अंदर क्या होती है, हम इस टर्बाइन के अंदर जनरली प्रेशर जो है वो ड्रॉप होगा, और साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ये आपका TS डायग्राम है, ठीक है। तो टेम्परेचर वर्सेस ये क्या है, एंट्रोपी डायग्राम। तो जैसे 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 कि यहाँ पर एंट्रोपी चेंज होगी, एक यहाँ पर एंट्रोपी चेंज होगी, मैंने कार्नोट साइकिल में डिस्कस किया था आपसे। तो वन से टू क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो रहा है और यहाँ पर प्रेशर डाउन हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर आपको हायर प्रेशर मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको लोअर प्रेशर मिलेगा। तो सेम टू सेम कंडेंसर प्रोसेस में ये होगा, ठीक है। ये आपकी एंट्रोपी चेंज होगी, यहाँ पर देखो ये टू से थ्री, यहाँ से वन से ये फोर के बीच में होगा, और यहाँ से टू के थ्री के बीच में होगा एंट्रोपी चेंज।
तो यहाँ पे फिर ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा आपका, फिर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। जब हम पंप में डालते हैं तो पंप क्या करता है, वर्क पंप पे हमें वर्क करना पड़ता है क्योंकि इट इज़ अ नेगेटिव डिवाइस, जिसके कारण कि क्या होगा वो जो है उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाएगा, जिससे कि पानी जो है ऊपर जाएगा और बॉयलर में जाता रहेगा। तो ये जो चार दोनों, ये एच एस कर्व में भी सेम यही है, 1-2 टर्बाइन, 2-3 कंडेंसर, बस इसमें आपको एच और एस देखना है। तो यहाँ पर एच आप देख रहे होगे, एच मतलब ये आपका एंट्रोपी जो है, ये एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी यहाँ पे चेंज हो रही है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। नीचे एक पंप के केस में एंट्रोपी चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज होगी, तो आपको वर्क मिलेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। तो ये आप तीनों डायग्राम देख रहे होंगे, पीवी, टीएस एंड एचएस कर्व। तो तीनों का जो है, तीनों में आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, एक में प्रेशर, एक में टेम्परेचर का वेरिएशन, एक में आपका एंथैल्पी जो है उसका वेरिएशन। तो इसमें आप जैसे ही इसके साथ मिलाओगे तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है। कुछ नहीं है इसमें, इनमें कोई प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये इस हिसाब से क्यों बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 4 पॉइंट पे जो है ये पानी वाला रीजन है, और ये आपका सैचुरेटेड वेपर वाला, मतलब यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो गया। और ये रीजन कैसा है, देखो ये डाउन हो रहा है, मतलब ये वेट स्ट्रीम में जा रहा है, ये अंदर ये वेट स्ट्रीम है, तो यहाँ पर वेट स्ट्रीम होगा। और फिर वेट स्ट्रीम से हम इधर पीछे की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ पे आएंगे ना, वेट स्ट्रीम मतलब यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर है, तो पीछे जाओगे तो ये पूरा पानी में बदल जाएगा, फिर पानी ऊपर जाएगा पंप की मदद से। तो यहाँ पर पंप का क्या काम है, पंप क्या करता है, उसको सक करता है पानी को और ऊपर पहुँचाता है उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा के, है ना। तो यहाँ इसलिए हमें यहाँ पर ये क्या है, कार्नोट साइकिल के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर आप देख रहे थे तो यहाँ पर वेट स्ट्रीम थी हमारी, और वेट स्ट्रीम को अगर आप उसको पंप के द्वारा या किसी और के द्वारा सक करोगे तो उसमें ज़्यादा प्रोसेस टाइम लगता है ना, क्योंकि क्या है जो पंप है वो सिर्फ लिक्विड को ही सक करके ऊपर पहुँचा सकता है, अगर गैस को करोगे तो उसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो पंप को हमने इस टाइप से उसमें कम मिनिमम वर्क कर सकें पंप के ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पर पूरा लिक्विड में कन्वर्ट किया इसको। सेम टू सेम ये रीजन भी वही है, सेम टू सेम ये रीजन भी वही है। तो तीनों डायग्राम जो है हमें तीन चीज अलग अलग चीज़ें बताते हैं, और ये चीज़ें वही हैं, ये चार जो प्रोसेस हो रही हैं आपकी, एक टरबाइन वाली, एक कंडेंसर वाला, एक पंप वाला और एक बॉयलर वाला, चारों का अपना अपना काम है, ठीक है। कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, बॉयलर हीट को लेता है, और इसके बाद इन दोनों के अंदर जो है वो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना, पॉज करके इसको आप लिखिए, सभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सभी चीज़ों को नोट कीजिए, और उसके बाद इनको अच्छे से एक बार बैठ के समझिए। उसको समझने के लिए मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे के बिना जो है आपका काम नहीं हो पाएगा। अब इसकी इफ़िशेंसी हम फाइंड करेंगे, इसकी इफ़िशेंसी कैसे फाइंड करेंगे कार्नोट साइकिल की, तो ये आप देखिए यहाँ पर इफ़िशेंसी ऑफ रैंकिन साइकिल, है ना। तो रैंकिन साइकिल की इफ़िशेंसी, जैसे कि इफ़िशेंसी क्या होता है, जैसे हमने यहाँ कंसीडर किया है, कंसीडर 1 kg ऑफ फ्लूड, इफ़िशेंसी होता है नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबके लिए जो है अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, सबके लिए जो है एनर्जी फ्लो इक्वेशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे कि प्रोसेस 1-2 है टर्बाइन वाला, उसमें हम ये एनर्जी फ्लो इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो टरबाइन में क्या है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, इट इज़ अ ओपन सिस्टम, ठीक है, फ्लो वर्क होता है इसके जनरली, इसलिए हम स्टडी फ्लो इक्वेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर H1 ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद ये जो है हीट का है, हीट निकल रही है कि अंदर आ रही है, फिर सेम टू सेम ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए प्रोसेस है। तो इसमें क्या हुआ, H1 तो रहेगा आपका, है ना, H1 जो है हमारी ये क्या एंथैल्पी है, और H2 भी एंथैल्पी है, वे 1 के लिए, ये 2 के लिए। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की कोई रोल नहीं होगा, जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, और हीट जो है इसमें हम ना ट्रांसफर कर रहे हैं ना ले रहे हैं, क्योंकि एडियाबेटिक सिस्टम है, एडियाबेटिक सिस्टम में ना तो हम हीट गेन करते हैं ना लॉस करते हैं। तो H2 फिर ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ पर WT बचेगा, H2 बचेगा और H1 बचेगा। तो इसके केस में क्या होगा, H1-H2=WT, तो WT=H1-H2, ये आपका टर्बाइन वर्क जो है वो आ जाएगा, ये टर्बाइन वर्क हम ऐसे निकालेंगे। सब में स्टडी फ्लो इक्वेशन लगाएंगे चारों प्रोसेस में, फिर प्रोसेस 2-3 में लगाएंगे कंडेंसर में, कंडेंसर में सेम टू सेम वही वर्क रहेगा, ठीक है। तो कंडेंसर का काम क्या है, हीट रिजेक्ट करेगा कैसे करेगा, जब हम एंथैल्पी जो है उसकी चेंज होगी H2-H3, ठीक है, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन होगा, क्यू हीट रिजेक्शन H2-H3, यहाँ पर आप देख रहे होगे, तो ये यहाँ पर हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर हीट का होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कंडेंसर की, तो यहाँ पर कोई कंडेंसर कोई वर्क नहीं करता है, कंडेंसर और पंप जो है वो कोई वर्क नहीं करता है,
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना है आपको, मतलब कंडेंसर और बॉयलर, सॉरी कंडेंसर एंड बॉयलर जो है वो कोई वर्क नहीं प्रोवाइड करता है आपको, लेकिन जो हमारा टरबाइन एंड पंप है, टरबाइन पे पंप, टरबाइन जो है हमें वर्क देता है और पंप पे हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है, ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है और एक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पंप की बात करें तो पंप जो है इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, थ्री और ये फोर के लिए, ये थ्री वाला रीजन, ये फोर वाला रीजन, तो इसमें एच थ्री बचेगा आपका और एच फोर बचेगा और डब्ल्यू वर्क। अब आप देखो ये माइनस मैंने यहाँ पे लिया है, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि पंप पर हम वर्क करते हैं, तो इसलिए माइनस डब्ल्यू पी इज इक्वल टू एच थ्री माइनस एच फोर, क्योंकि थ्री से फोर के लिए है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से भाग दे देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये थ्री, तो एच फोर माइनस एच थ्री ये डिफरेंस आएगा, तब आपका पंप का वर्क निकल पाओगे आप। उसके बाद जो है फिर आपका बचेगा कौन सा, प्रोसेस फोर से वन जो कि बॉयलर का होगा, जिसमें भी सेम हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे और इसमें हम एच फोर वाला रीजन लेंगे, एक एच वन, ये पूरा जो है आपका फोर और ये पूरा है वन वाला, जिसमें आप सभी चीज़ ये सभी एनर्जीज आ जाएंगी एक तरफ, और एक तरफ इनलेट वाला, एक तरफ आउटलेट, तो इसके अंदर भी सेम वही होगा, इसके अंदर वर्क नहीं होता है बॉयलर के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम हीट देते हैं, तो सेम टू सेम इसके लिए भी वर्क निकलेगा, ये आपका क्यू फोर इज को एच वन माइनस एच फोर, तो ये हीट सप्लाइड क्यू एस लिखा है हमने, तो ये जो है आपके सभी के लिए मैंने जो है सभी का वर्क जो है वो निकाल लिया है, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्शन, सभी चीज़ें जो है निकाल लिया। अब ये हमें करना क्या है, अब हमें इफ़िशेंसी के अंदर जो है इन चीज़ों को रखना है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इनको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, जो कि है इफ़िशेंसी ऑफ रैंकिन साइकिल। अब इफ़िशेंसी ऑफ रैंकिन साइकिल जो है हम इसको लिखते हैं और इसको समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, पॉज करके जो भी है आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये जो है इसकी इफ़िशेंसी हमें निकालना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इफ़िशेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड, तो डब्ल्यू नेट क्या होगा, वर्क डन क्या होगा आपका, एक तो टरबाइन पे मिलेगा प्रेशर पे, वो पंप पे मिलेगा, और हीट सप्लाइड तो ये आपने अभी पिछले उसमें निकाला एच वन माइनस एच टू, ये आपका टरबाइन का वर्क, और एच फोर माइनस एच थ्री जो होगा वो होगा आपका पंप का वर्क, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा बीच में, और एच वन माइनस एच फोर। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंडिंग इफिशेंसी ऑफ रैंकिन साइकिल विथ पंप, पंप का यूज कर रहे हो तब, ठीक है, पंप को साथ में ले रहे हो तब ये फॉर्मूला है। जनरली गेट में पूछा जाता है कि पंप का इन्वॉल्वमेंट है तो कौन सा है, और विदाउट पंप के इन्वॉल्वमेंट में किस टाइप से ये डिफाइन करना है। तो एज वी नो दैट पंप इज अ ओपन वर्क, हम जैसे जानते हैं पंप ओपन वर्क, ओपन वर्क के लिए प्रोसेस क्या होती है, वर्क डन की वी डी पी है ना, और पी डी वी क्या होती है, वो होती है क्लोज के लिए। तो इसमें हम जैसे कि जो वी ये वेपर के लिए है, वॉल्यूम ऑफ जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर के लिए, और ये क्या है डी पी चेंज इन प्रेशर। तो जैसा कि जो ये वी एफ जो है फ्लूड के लिए, मतलब ये पंप के लिए जो होगा, पंप के केस में क्या होगा, हमें लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिक्विड का जो पंप का जो वर्क है वो कम होता है, मतलब उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा इन कंपेयर टू जो गैस है उसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी एफ इज वेरी वेरी लेस इन कंपेयर टू वी जी, सो डब्ल्यू इज नेगलेक्ट है ना, तो इसके चक्कर में हम क्या कर लेते हैं, जो डब्ल्यू है इसको नेगलेक्ट कर देंगे इसके अंदर इफिशियंसी के अंदर। तो इसके केस में भी क्या है, आपको इस रैंकिन साइकिल की इफिशियंसी आएगी इफ पंप वर्क इज नेगलेक्ट, क्यों, क्योंकि देखो टरबाइन का जो वर्क है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू पंप वर्क है ना, तो क्योंकि पंप को हमको थोड़ा सा ही वर्क देना पड़ता है और वो क्या कर देता है, पानी को वाटर को फ्लो करवा देता है, लेकिन टरबाइन में ज़्यादा वर्क हमें मिलता है। तो इफ पंप वर्क इज नेगलेक्ट तो उसके केस में इफिशियंसी क्या आएगी, उसको इसको जीरो कर दिया हमने, इसको जीरो कर दिया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू टी अपॉन क्यू एस, तो जो कि होगा एच वन माइनस एस टू अपॉन एच वन माइनस एस फोर। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि हमें क्या बताता है, जब आप पंप वर्क को नेगलेक्ट करोगे उस केस में रैंकिन साइकिल की इफिशियंसी। ये दोनों फार्मूलेज बहुत पूछे जाते हैं, गेट में भी आता है और आईएएस के अंदर भी बहुत आता है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से नोट समझिए। अब पंप वर्क को कैसे निकालते हैं हम, डब्ल्यू पी इज इक्वल टू एच फोर माइनस एच थ्री होता है, जो कि थ्री एंड फोर वाली प्रोसेस है। तो वी एफ, वी एफ क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट फ्लूड के केस में, क्यों, क्योंकि पंप में आप लिक्विड को डालते हो, तो वो वाला रीज़न है। और डी पी, तो यहाँ पर वी थ्री वाला रीज़न है, ये वी थ्री पॉइंट ले लिया। पी एच माइनस पी एल, पी हायर टेम्परेचर ऊपर वाला और पी नीचे वाला लोअर प्रेशर, मतलब हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका पंप वर्क, इससे आप फाइंड कर सकते हो अगर नहीं गिवन है। और ये जो है जितनी भी एंथैल्पीज़ हैं इनकी आपको वैल्यू जो है स्टीम टेबल में गिवन होगी,
तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने आज क्या देखा, इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल विद पंप, इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल विदाउट पंप, PVTS एंड HS कर्व। उसके बाद आपने पंप जो है वर्क डन ऑफ पंप वो भी आपने निकालना सीखा। तो ये सभी चीज़ें आपने सीखी। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको बेटर एंड बेटर वे में ये चीज़ें समझा पाऊँ, ताकि आप जो है गेट IAS PSC की अच्छी तैयारी कर सको, साथ ही साथ आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें भी बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सको। इसके बाद जो है मैं इस पर न्यूमेरिकल करवाऊँगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, क्योंकि रैंकाइन साइकिल जो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर, उसके बाद थर्मल गैस जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता ही है, 100% ये क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है, गेट के अंदर, IAS के अंदर और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। तो आपको अगर ये YouTube लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से अच्छा बेटर जो है इस पर कंटेंट दूंगा। आपको गेट्स के क्वेश्चन, IAS के क्वेश्चन सभी चीज़ें करवाऊंगा, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो महंगी फीस नहीं दे पा रहे हैं, वो घर पर बैठ के इसकी तैयारी कर पाएँ और IAS बन पाएँ, अपना सपना पूरा कर पाएँ, गेट क्वालिफाइड कर पाएँ, अच्छे IITs में जो है MTech करें। तो होप वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर इज़ गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।